आई एम अ वर्सेटाइल सिंगर, तो मैं ट्राई करूँगी आपके लिए एक अच्छा सा बॉलीवुड सॉन्ग गाने के लिए। तो अभी मैं प्रेजेंट करूँगी मिले हो तुम हमको। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तो जिनकी सुरीली आवाज में अभी अभी आपने जो गाना सुना, उनका नाम है महिमा जी, जो सिर्फ 11वीं क्लास में पढ़ती है और इनकी उम्र सिर्फ 16 साल है। उसके बावजूद भी अपनी सुरीली आवाज से सबके मन को मोह लेती हैं। तो सबसे पहले महिमा जी, आपका स्वागत करती हूँ सिटी बिग न्यूज में जी। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आपने सिंगिंग कहाँ से स्टार्ट करी और आपका रोल मॉडल कौन है? मैंने सिंगिंग 6th क्लास से स्टार्ट करी थी। मेरी एक टीचर है, मेरी बहन भी गाती थी, उन्हें लगा कि उनकी सिस्टर भी अच्छी गाएगी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उनको अच्छा लगा। मैंने 6th क्लास से अब तक मैं अपने म्यूजिक फील्ड में काम करती आ रही हूँ। और मेरी रोल मॉडल सबसे पहले नेहा कक्कड़ है, और साथ साथ में मैं अरिजीत सिंह को भी फॉलो करती हूँ जी। तो जैसे इतनी प्यारी आपकी आवाज है, आपके हिडन टैलेंट का पता किसी किसी को उम्र हो जाती है उसके बाद पता चलता है मेरे अंदर ये हिडन टैलेंट है। आपको कैसे पता चला कि आप इतनी अच्छी सिंगिंग कर सकती हैं? देखिए, जब मैं सॉन्ग्स गाती थी, सुनती थी उनको, तो मैं मन मन में गाती थी, लगता था मैं बहुत अच्छा गाऊंगी, लेकिन मैं बाहर नहीं निकाल पाती थी। मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि तू कैसा गा रही है, अगर मैं गाती थी तो। तब मुझे फील होता था कोई मुझे गाने क्यों नहीं देता। फिर बाद में मैंने ट्राई किया, जब मुझे टीचर ने बुलाया, मुझे बहुत, मैं बोला कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तब से मैंने गाना स्टार्ट किया है जी। वैसे आजकल के जमाने में ही लड़कियां लड़कों को टक्कर देने लगी है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिसका मतलब बहुत बड़ा है, कि किसी किसी बच्चे के पेरेंट्स उसे स्टडी पे ही फोकस करने के लिए बोलते हैं कि आप स्टडी ही करो, अदर एक्टिविटी सिंगिंग डांसिंग खेलों में पार्टिसिपेट मत करो। लेकिन इस पर आपका क्या कहना, आपकी राय क्या है, क्या आपके पेरेंट्स भी इसमें साथ देते हैं? बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स, जहाँ भी क्लासेस लगानी हो वहाँ पे भेजने को तैयार होते हैं, स्कूल में पार्टिसिपेशन के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे वो गेम्स हो या फिर सिंगिंग हो डांसिंग हो, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। स्टडीज तो साथ में चलती रहती हैं जी। सिंगिंग और स्टडी को कैसे मेंटेन करके रखते हैं आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है? हाँ,
तो हमारा जैसे हाफ डे होता है स्कूल में, हाफ डे तक मैं पढ़ती रहती हूँ और स्टे बैक करके मैं म्यूजिक सीखती हूँ, और घर पे तो मेरा चलता ही रहता है म्यूजिक। जी, तो जैसे आप बीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी टीचर कौन है और क्लास में आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है? कभी कभी मेरा थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ जाता है अगर वो म्यूजिक में मेरा ज्यादा ध्यान चला जाता है, नहीं तो हमेशा बैलेंस रहता है मेरा स्टडीज और म्यूजिक। जी, तो क्या आप जितनी अच्छी सिंगिंग में है उतनी ही अच्छी स्टडी में है? आई थिंक मैं म्यूजिक में ज्यादा अच्छी हूँ, मेरा कभी कभी ध्यान भटक जाता है म्यूजिक की वजह से स्टडीज पे से। अच्छा, तो फिर भी आप मेंटेन करके रखती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे नेहा कक्कड़ हैं वो पहले जागरण में काम करते थे, जागरण में गाते थे, उसके बाद इतने अच्छे लेवल पर वो चले गए हैं, नो डाउट कि आप भी जाओगे, लेकिन आपका जो अपनी सक्सेस का श्रेय है वो किसे देना चाहेंगे? मैं अपने पेरेंट्स को ही दूंगी और जो मेरी टीचर है वो जो सिखा रही है उन्हीं को दूंगी मैं अपने। जी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, सिंगिंग करते हैं तो अलग अलग जो कार्यक्रम होते होंगे उनमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, कितने कार्यक्रमों में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं और किस लेवल तक आपको पुरस्कार मिल चुके हैं और कितने मिल चुके हैं? हाँ, हमारा एक, मैं जैसे डीपी स्कूल में पढ़ती हूँ तो ऐसे जागरणों में तो मैंने कभी गाया नहीं है, बट स्कूल के कॉम्पिटिशन में इंटर डीपी से एक कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ पर मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज मिल जाता है, और इतने बड़े लेवल पे अगर मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज मिला है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आगे मैं दोबारा ट्राई करूंगी उसके लिए। हमने सुना था आपने स्टेट लेवल पे बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हुए हैं। हाँ। और आप नेशनल के लिए अब ट्राई कर रहे हैं। यस, कहाँ कहाँ पर जीते थे आपने? अब वहाँ पर बाल भवन में तो मैं 4-5 बार पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, एक बार थर्ड आया था जब मैंने शुरू में किया था, फिर सेकेंड आया और इस बार फर्स्ट आया है, तो अब मैं आगे वाले लेवल्स के लिए जा रही हूँ। जी, क्या आपको कभी थर्ड फोर्थ फिफ्थ के भी प्राइजेस मिले या फिर फर्स्ट और सेकंड ही आती रहती हैं आप? जब मैंने शुरुआत की थी अपने म्यूजिक की तब मेरे को थर्ड आते थे, अब मेरे को फर्स्ट या सेकंड ऐसे ही आता है। जी, तो क्या आप और भी बच्चों को इंस्पायर करने के लिए किस तरह से उनको मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो आप अपने पेरेंट्स को कभी, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको बोलिए, उनको समझाइए कि आपको कुछ, अगर आप स्टडीज़ में अच्छे नहीं हैं तो एटलीस्ट आपकी जो दूसरी खूबियां हैं म्यूज़िक डांस जो भी है उनमें आपको सपोर्ट करें, स्टडीज़ में नहीं तो दूसरी फील्ड में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आपके मम्मी और पापा कितना साथ देते हैं आपका? क्या घर पे भी जैसे आप सिंगिंग करते हैं तो डिस्टर्बेंस होती होगी, तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं आप? मेरे मम्मी पापा कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं होने देते, जैसे मैं सुबह उठकर 5 बजे रियाज करती हूँ तो कोई मेरे पास आकर भी नहीं बैठता, कि मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब फील होता है तो कोई नहीं आता मेरे पास आके बैठता है और नहीं सुनता है, लेकिन जब भी मतलब बाकी फ्री टाइम होता है तो मुझे बोलते हैं तू गा हम तेरे को सुनेंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाने सुनाना और वो मेरे को कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जहाँ आजकल के बच्चे सुबह उठने में इतनी ज़्यादा आलस करते हैं वहीं पर आप 5 बजे उठ के रियाज करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी पूरा दिन का टाइम टेबल कैसे रहता है? जैसे 5 बजे तो मैं उठती हूँ, उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होना होता है, स्कूल जाते हैं, 2 बजे दोपहर को हम घर पे वापस आ जाते हैं, ठीक है, घर पे आके होमवर्क पूरा करना होता है और मेरी पूरी शाम म्यूजिक गाने सुनने में, उसके साथ गाने में लीड लगा के मैं गाने सुनती रहती हूँ और उसके साथ साथ गाती रहती हूँ, फिर शाम को सो जाते हैं खाना पी के और दोबारा वही शेड्यूल शुरू। जी, आपका सपना कहाँ तक है, कितने लेवल पर आप एक बड़ी सिंगर बनना चाहती हैं? बॉलीवुड सिंगर तो मुझे बनना ही है, साथ में मुझे इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद है, तो अगर मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे सॉन्ग्स गाऊँ तो हॉलीवुड में। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप हमारे दर्शकों को फिलहाल क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ सबसे पहले तो मेरी एज 16 है तो मैं अभी से अपना सिंगिंग स्टार्ट करें, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें, और अगर अपने आसपास आपको कोई ऐसा टैलेंट दिखता है तो उसे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। जी, तो बहुत ही प्यारा सा मैसेज इन्होंने दिया कि इनके पेरेंट्स भी इनका साथ देते हैं और जब भी इन्हें जरूरत पड़ती है जहाँ पर भी जाने की इनके पेरेंट्स इन्हें कभी भी नहीं रोकते। तो मेरी भी सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से सभी पेरेंट्स से यही अपील रहेगी, अगर यदि आपके बच्चे के अंदर एक हिडन टैलेंट है जिसको वो आपके सामने शो करते हैं और उस जो हिडन टैलेंट की अगर समाज भी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है तो आप अपने बच्चे को आगे जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि क्या पता इन फ्यूचर उनका हिडन टैलेंट जो आपके सामने शो किया है वो आगे काम आ जाए, स्टडी इतनी ज़्यादा काम ना आए। इसीलिए मैं सभी पेरेंट्स से अपील करना चाहूँगी, बच्चे के मन की जो इच्छा है उसके अनुसार ही आप निर्णय लें ताकि आपका बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए, और कभी भी ऐसा निर्णय ना लीजिए जो आपके बच्चे के भविष्य के लिए खराब हो। तो जैसे हमने महिमा जी से बातचीत की तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके, और स्टेट लेवल तक के ये प्राइजेस जीत चुके हैं और आगे नेशनल के लिए ट्राई कर रहे हैं। आपके भविष्य के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं करती हूँ और सिटी बिग न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके सामने फिर से मौजूद होंगी एक ऐसी ही हस्ती के साथ जिनके अंदर हिडन टैलेंट है। यदि आपके अंदर भी एक हिडन टैलेंट है जिसको आप सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से शो करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे स्टूडियो में।
आइए और अपने हिडन टैलेंट को शो कीजिए, और आप अपने टैलेंट को शो करेंगे तो समाज के लोग भी उसे बहुत ज़्यादा आगे तक लेकर जाएंगे। इसी के साथ मैं आपके सामने लौटूंगी फिर से नई ताज़ी खबर के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।